मिट्टी में दफन होती जा रही गौणकालीन बेसकीमती विरासत, इन विरासतों को कैसे सहेजा जाए, यह बड़ी चुनौती। पुरातनकालीन नर्मदा घाटों पर अब उगाई जा रही है सब्जियां। मंडला महिष्मति नगरी का गौणकालीन इतिहास काफी समृद्धशाली रहा है। गौण राजा हृदय शाह एवं रानी दुर्गावती के काल में तो यह साम्राज्य इतना फला फूला कि इनका साम्राज्य क्षेत्र लगभग इंग्लैंड जैसे देश के क्षेत्रफल के बराबर रहा। यही वह काल था जब इन गौण राजाओं द्वारा तालाब, बावड़ियों एवं नर्मदा तटों पर घाटों का निर्माण कराया गया, और वह भी उन्नत तकनीक के माध्यम से, ताकि न तो भूजल स्तर में कोई कमी आ सके और ना ही लोगों को पानी की किल्लत झेलना पड़े। नर्मदा नदी के तटों पर भी उन्नत और सर्व सुविधा युक्त घाटों का निर्माण कराया गया, लेकिन आज ये घाट या तो विलुप्त हो चुके हैं या फिर बाढ़ की मिट्टी के नीचे दफन हो गए हैं। अब इन बेसकीमती घाटों के ऊपर सब्जियों की खेती की जा रही है। आइए हम आपको ऐसे ही एक शानदार घाट के अवशेषों को दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि यह संरचना कितनी शानदार और उपयोगी रही होगी। यह है नगर का नाव घाट, जो कि इस नगरी के प्रमुख घाटों में से एक है। लेकिन प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के साथ जो मिट्टी है वह इन घाटों को लीलती जा रही है। अब नर्मदा किनारे सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का जमाव ही नजर आता है। नर्मदा घाट के बगल में यह नाला बह रहा है, जिसके माध्यम से पूरे क्षेत्र की गंदगी सीधे नर्मदा में समा रही है। इस नाले में पुराने घाट की सीढ़ियों के कुछ अंश अभी भी नजर आते हैं। इससे लगा हुआ यह क्षेत्र जो आप देख पा रहे हैं, यह स्थानीय भाषा में कछार कहा जाता है। यहाँ सब्जियां उगाई जाती हैं, लेकिन इस मिट्टी के नीचे एक बेसकीमती संरचना दफन है। इसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। आइए यह संरचना कैसी होगी यह हम दिखाने का प्रयास करते हैं। यह देखिए, यह एक गलियारा है। इसकी बनावट रामनगर किले में बने गलियारे जैसी ही है। यह गलियारा उस घाट के ऊपर का हिस्सा होगा, जहां शायद महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए इसे बनाया गया होगा। यह गलियारा अब भी इतने वर्षों बाद इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इतना खूबसूरत नजर आ रहा है। तो कल्पना कीजिए कि उस दौरान कैसा रहा होगा जब इसे या तो बनाया गया होगा या फिर इसका उपयोग किया जाता रहा होगा। इस गलियारे के ऊपर के हिस्से में एक मंदिर भी बना हुआ है, जहां बहुमूल्य सूर्य प्रतिमा स्थापित है। आइए आपको हम वह भी दिखाते हैं। यह देखिए, यह बहुमूल्य सूर्य प्रतिमा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शायद इसका मूल्य करोड़ों में हो, लेकिन यहाँ यह किस स्थिति में है आप समझ सकते हैं। पुरातत्व विभाग का कहना है कि इसे संरक्षित करने वे अपने संरक्षण में लेना चाहते हैं, लेकिन तात्कालीन समय में केयर टेकर के नाम पर यह संपदा नारायण देवी झा के अधिपत्य में दे दी गई थी। तभी से इस पर उनके परिवार का अधिपत्य है। तकनीकी खामियों के चलते अब यह संरचना यूं ही पड़ी हुई है। इस मंदिर में पुरानी और भी प्रतिमाएं हैं जो कि बहुमूल्य हैं और लोगों को जिसकी ज्यादा जानकारी भी नहीं है। ये दो शिवलिंग हैं, ये भी काफी प्राचीन नजर आते हैं। इन बहुमूल्य प्रतिमाओं के साथ में आसपास पूरी गृहस्थी बसा दी गई है, जिसके चलते यहाँ लोगों का आना जाना नहीं होता। इस मंदिर के बगल में एक गुंबद है,
जो कि अंदर से एक कमरे जैसा है, जिसमें शायद तात्कालीन समय में इस मंदिर की देखरेख करने वाले पुजारी रहा करते होंगे, या फिर इस बेशकीमती घाट और इन प्रतिमाओं की रखवाली करने वाला कोई कर्मचारी का यह आश्रय स्थल रहा होगा। स्थानीय पुराने लोगों ने बताया कि इस मंदिर के नाम पर पद्मी के आसपास सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि भी है, जिस पर खेती से इस मंदिर का रखरखाव उस दौरान किया जाता था। अब यह कृषि भूमि किसके उपयोग में है, इसका कौन उपयोग कर रहा है, यह स्पष्ट नहीं है। शासन प्रशासन को इस ओर गंभीरता से प्रयास करने चाहिए, ताकि समृद्ध गौड़कालीन इन विरासतों को हम अच्छी तरह से सहज सकें और आने वाली पीढ़ियों को गौड़ राजाओं के इस स्वर्णिम इतिहास से परिचित करा सकें।